बहुत बेकार खेल रहे हैं यार, बहुत ज्यादा। ना मैंने कोई कुछ और को बोला। बीजीएफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात अभी जो है। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी होगी दोस्तों, मैं काशवी, कृतिका, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, कल गॉर्डले के बीजीएस मैचेस बहुत खराब गया, स्पेशली जोनाथन के एक्स प्ले पर उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, जिस पर मेजी लाइव में क्या कहे आप देखो। टॉप निकाले और वेलन गेमिंग के ऊपर डायरेक्टली मुझे पोजीशन है वो मैं देखने को मिलता है, गॉड लाइक का जोनाथन, उन्होंने डैमेज बहुत ज्यादा दिया, लेकिन नॉक निकालना चाहिए था एंड में। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि जोनाथन, एक समय था जब वो लेजर स्प्रे हमें उनके द्वारा देखने को मिलता था और खिलाड़ी डरते थे कि हाँ वो सामने खिलाड़ी है कौन, और आज के दिन पे हम देख पा रहे हैं लड़खड़ाहट। फाइट लेना चाहते तो आप वहाँ पर फाइट ले सकते हो, और इसी चीज की मैं चर्चाएं कर भी रहा था। आपने इतने सारे मैचेस खेले, इतनी सारी आपने गलतियां करी, और एक बार फिर से वो गलती आप रिपीट करते हुए। देखिए, दिक्कत की बात है कि एडमिनो ये हैं जो मात्र आपको खेलते हुए दिखाई दिए, जितने भी फिनिशेस हैं उनमें आधा से ज्यादा कोटा, आधा से ज्यादा क्या, अगर मैं 75% बोलूं तो वो भी गलत होगा नहीं। इसके बाद गॉडलैक अभी हमें 15th पोजीशन पर देखने को मिल रही है। गॉडलैक के परफॉर्मेंस पर सोल के मारने का क्या रिएक्शन था आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। गॉडल अनफॉर्चुनेटली चोको हो गया उनका, बहुत बेकार खेल रहे हैं यार, बहुत ज्यादा, बहुत ही ओवर थिंकिंग है अभी, कोई नहीं बट कल हो सकता है। जाहिर एडमिनो क्या खेल रहा है भाई, मस्त एकदम। हाँ ना, एडमिनो अकेला खेल रहा है ऐसा लग रहा है, मतलब होता है ना अपने साइड से पूरा जान लगा रहा है एडमिनो को देख के लग रहा है। इसको जहाँ गॉडलाइक 15th पर है, वहीं सीजी नंबर 1 पर है, जिस पर नियो को कुछ लोग हेड देने लगे, फिर नियो इस पर क्या बोले आप देखो। तुम गुस्सा मेरे पे क्यों आगे निकाल रहे हो, मेरे पे किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो? ये मच्चा खेला पे अच्छा हो, ये देख मेरे पे किस बात का गुस्सा है। चिल गाइस, क्या सीन हो गया? ना मैंने कोई कुछ और को बोला ना कुछ, इतना क्या सीन हो गया? जो और मैं हूँ और को सपोर्ट कर रहा हूँ, और वो बढ़िया खेल रहे हैं भाई, फर्स्ट चल रहे हैं, क्यों ना सपोर्ट करो बताओ। चिल सीन, और जिनको भी अगर मेरा लाइव स्ट्रीम नहीं देखना वो जा सकते हो भाई, इधर चलेगा, मेरे को 50 की भी वॉचिंग आएगी, 10 लोग देखेंगे बट अच्छे से देखेंगे तो भी चलेगा। इस वक्त गॉडलैक के मैचेस बहुत कम बचे हुए हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है गॉडलैक के क्वालिफाई करने के लिए? इस पर मैं जी अपना प्रेडिक्शन दिया, आप देखिए। एंड गॉडलैक स्टिल मेक इट, बस मैं इंतजार कर रहा हूँ कि गॉडलैक कर लेगी, मैं सच बता रहा हूँ, एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन है कि आज के दिन पे, अभी वो 61 पे हैं और उनको 107 तक जाने के लिए 46 पॉइंट चाहिए, बहुत आसानी से वो निकाल सकते हैं। और देखो, मैंने पहली बार अगर स्क्रिप्ट लिखी है तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा ना कि उस स्क्रिप्ट को मैं लेकर चलूँ वहाँ तक। जब मैंने कहा है कि वो स्क्रिप्ट सच है तो मतलब सच है, और गॉडलाइक आज के दिन पे क्वालिफाई होगी, ये तय बात है। टॉप 8 लिख के ले लो, यही टॉप 8 टीम्स हैं जो जाने वाली हैं। फिर मावी भी रिएक्ट किए गॉडलैक और बीजीएस के परफॉर्मेंस पर, और गॉडलैक कहाँ पर गलती कर रहे हैं इस पर मावी क्या बोले आप देखो। बीजीएस में कुछ ठीक नहीं हो रहा है मुझे लगता है, चलो जो होता है अच्छी के लिए होता है। बाजी आपके मुताबिक गलती कहाँ कर रही है गॉडलैक? यार मैं मैचेस फुल टोटल देख नहीं रहा, और मेरे हिसाब से तो कुछ, मतलब मैं तो कैसे बता सकता हूँ, मुझे तो खुद ही इतना हिसाब नहीं है, मैं दूसरे को हिसाब कैसे सिखा सकता हूँ। तो अगर हम बात करते हैं डायनेमो के बारे में, तो डायनेमो का एक पेट होता है जिस ब्रीड का डॉग होता है वो 12 साल उसकी एज होती है, बट डायनेमो के डॉग का एज 15 ईयर हो गया, तो डायनेमो बोले कि अब उनका डॉग सीरियस हो गया, जिस पर डायनेमो थोड़े सैड होते हैं। आप देखो, हमारा जो गोल्डी है ना यार, गोल्डी देखा होगा आपने बहुत बार स्ट्रीम पे ना, उसकी बहुत तबीयत खराब है, वो खड़े नहीं रह पा रहा अच्छे से और थोड़ा सीरियस हो गया है। यूजुअली ऐसे डॉग्स, हाँ डॉक्टर दिखाया है उसको, 3-4 इंजेक्शन भी लगे हैं, ऐसे जो डॉग्स होते हैं ना वो 10-12 साल जीते हैं, बट इसने ये 14 साल जी गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। वही है ना यार, अब ज़्यादा एज हो गई है। मेरे बर्थडे के दिन इतने बड़े घर में वो यहाँ से वहाँ से यहाँ दौड़ रहा था, लिटरली उसको पट्टे से बांध के रखना पड़ रहा था, इतना खतरनाक दौड़ रहा था, अब खड़ा भी नहीं रह पा रहा है यार। सो सीट भाई, बात करते कि नहीं कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में, तो सीट भाई ई स्पोर्ट्स गेम चेंजर में नॉमिनेट हुए, तो सीट भाई रिएक्ट किए कि उसकी वजह से कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, आप देखिए वो क्या कहे। अभी जो नेक्स्ट कंट्रोवर्सी होगी दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं पहले, क्योंकि होगी आगे जाकर। अगला जो मैच इसमें नॉमिनेटेड हूँ, उस नॉमिनेशन का नाम है ईस्पोर्ट्स गेम चेंजर, और मेरे को बाकी सारे नॉमिनेशन पता नहीं, बट आई थिंक आई एम द ओनली नॉन प्लेयर नॉमिनेशन इन दैट कैटेगरी। तो इसमें अभी अपने वाले नहीं, बट बाकी जो फैन बेस होंगे वो बोलेंगे अरे ये कहां से आ गया ईस्पोर्ट्स गेम चेंजर। आप लोगों को मीनिंग बता दो ईस्पोर्ट्स गेम चेंजर का, इट इज नॉट ईस्पोर्ट्स प्लेयर, ईस्पोर्ट्स गेम चेंजर का मीनिंग बेसिकली है कि जिसने गेम चेंज किया है ईस्पोर्ट्स में, समझ रहे हो, मतलब इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि प्रो प्लेयर और समबडी हु प्लेड प्लेस द गेम वेरी वेल। तो अभी से बता रहा हूं, आ जाएगा आई थिंक एक दो दिन में जिसका मीनिंग क्या है और क्यों आई एम नॉमिनेटेड। और वैसे भी आई थिंक मेरे को सारे नॉमिनेशन से पता नहीं है, बट 70-80% प्लेयर्स जो भी नॉमिनेटेड है इन दैट कैटेगरी हैव वर्क अंडर मी एट सम पॉइंट ऑफ देयर करियर्स। इट इज नॉट, वो प्लेयर्स का नॉमिनेशन नहीं है, वापस बता दूं, अगर होता तो क्राफ्टन वाले इतने पागल नहीं है कि मेरे को उसमें नॉमिनेट करें। तेरे गान में कीड़ा है यार, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कुछ एक दो डायलॉग बोले मैंने अभी, ओके तो चलो थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता है ना, गाली नहीं पड़ रही होती है तो गान मस्ती मैं ही करता रहता हूँ, मैंने तभी बोल दिया थोड़ा सा कॉन्टेंट के लिए, बट वो रिलीज होने के बाद मेरे को आएंगे गान तोड़ने मेरी बहुत लोग, प्रिपेयर हूँ मैं उसके लिए, इसको थोड़ा थोड़ा यार। अबे यार, मतलब मैं तभी सोचा कि चलो तीन टीम लगेगी तो कुछ भी नहीं है, मैंने वो टाइम पे सोचा कि चलो यार थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मतलब लोग थोड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ हेट नहीं था यार।
तीन टीम लगेगी तो कुछ भी नहीं है, उसे कुछ जा रहा है बोल दिया मैंने, वो तो गांड टोड़ने आएंगे लोग। सो गाइस जोकर केवल एक स्टेडियम मैच खेल रहे होते हैं जिसमें कोई लाइव बैन हो जाता है, जिस पर जोकर की तरफ से शॉकिंग रिएक्शन देखने को मिला, जिस पर सीड भाई और रेगल टॉस भी रिएक्ट किया। आप देखो गॉडलाइक के परफॉर्मेंस और ग्राफ्टन के एक्शन का क्या फर्क पड़ रहा है बीजीएस में, इस पर वो क्या कहे आप देखो भाई। गॉडलाइक के पॉइंट सही है, अच्छे खासे गॉडलाइक के पॉइंट चाहिए। अगर उनको क्वालिफाई होना है तो उनको आखिरी दिन पे, मतलब कल के दिन पे 60 पॉइंट तो चाहिए, 120 तो जाएगा ना ओमेगा कट ऑफ। अंडरस्टैंड चलो टीम पॉइंट की परफॉर्मेंस में इतना डिप कैसे आ गया है कि टीम डबल डिजिट में भी पॉइंट नहीं ले पा रही है यार। यही तो बात है, जब एडमिन तुम्हारे घर जाएंगे तो यही होता है। और सिर्फ टाइम की बात नहीं, और भी टीम है जिनके पॉइंट बहुत आ रहे थे नहीं आ रहे। बोल रहा हूँ ना, अगर ये सब सही हो गया ना तो सिर्फ बहुत असल में जो मेहनती अंडरडॉग्स टीम है ना वो ऊपर आ पाएंगे। असल में लेजिट अंडरडॉग्स टीम जो मेहनत कर रहे हैं वो आएंगे ऊपर, जब जिस दिन ये सब स्टॉप हो जाएगा, और बहुत इवन टीम जो मेहनत कर रही है उनको फायदा होगा। सुकस गॉडलाइक के हैवान बात के एक सीरियस मैटर को लेकर के बीजीएस के लाइव चैट में गर्ल्स गेमर को बहुत गंदी लेवल पर ट्रोल किया जाता है, जिसमें गॉडलाइक और सोल ज्यादा टारगेट रहती है, और वो पूरा क्या बोले आप देखो। अरे यार एक और गाइस, एक और बात मेरे को जो बहुत दिनों से बोलनी थी, जो खल रही थी मेरे दिमाग में बहुत टाइम से मेरे को बोलनी थी कि यार बीजीएस के टूर्नामेंट के चैट में है ना बहुत गलत गलत चीजें स्पैम होती है यार। मतलब पता नहीं कौन है वो लोग, बट बहुत गलत गलत चीजें स्पैम होती है गर्ल्स सीसीज के बारे में। तो कौन से कहाँ से आते हैं वो लोग, कौन क्या क्या काम करते हैं, बट बहुत गलत उदाहरण, बहुत गलत एग्जांपल मिलता है लोगों को। बे कोई भी और का रहे, चाहे हमारे और का, चाहे दूसरे और का, या कोई भी और की लड़कियां रहे, उनके नाम मत स्पैम किया करो यार। मीजो, डॉबी, काशवी, कृतिका मत स्पैम किया करो यार। उन लोग की गलती क्या है मेरे को समझ में नहीं आता, उन लोग की क्या गलती है? ना ही वो लोग वहाँ पर खेल रहे हैं, ना ही कास्ट कर रहे हैं, फायदा नहीं यार ये सब करके। और मैं क्यों बोल रहा हूँ मालूम है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माँ बाप देखते हैं BGMI, इतना पॉपुलर गेम है, मतलब इंडिया का द मोस्ट पॉपुलर गेम होगा मोबाइल में। CSGO या Valorant तो है नहीं कि गवर्नमेंट को पता नहीं है, गवर्नमेंट तक को पता है BGMI। तो मत करो यार ये सब चीज़ें, माँ बाप देखते हैं उनका बच्चा e-sports में जाना चाहता है तो वो चैट देखते रहेंगे, तो यार गलत एग्जांपल सेट होता होगा यार। तो गाइस हफ्ते के लिए वीडियो में इतना ही, इस तरीके का स्पोर्ट्स न्यूज़ से अपडेटेड रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय।